Well, इनकी कॉमिक टाइमिंग एकदम निराली, इनकी एक्टिंग स्किल्स से थिएटर्स हो जाते हैं फुल बुक, जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो ऑडियंस कहती है मत रुक मत रुक मत रुक। Yes, presenting the one and only Ritesh Deshmukh. Well, Ritesh, thank you so much for joining us. And दोस्तों मेरे साथ यहाँ प्रोसिक्यूटर साहब खड़े हैं जो बहुत ही डैपर लग रहे हैं, लव द कलर, थैंक यू, लुकिंग वेरी वेरी हैंडसम। एंड प्रोसिक्यूटर जी, मीडिया के हमारे जो दोस्त हैं वो जानना चाहेंगे कि आप खुद इतने एक बड़े स्टार हो और उसके बावजूद बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों पर आप अतरंगी इल्ज़ाम लगाने जा रहे हो, इसका चस्का कहाँ से लगा आपको? नहीं, सबसे पहले यू नो थैंक यू सो मच, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हो, अ बिग एंड वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड एक्सपीरियंसिंग दिस अमेजिंग थिंग दैट वी हैव पुट टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक अमेज़न मिनी टीवी एंड बानी जे फॉर थिंकिंग ऑफ मी एंड कमिंग टू मी विद सच एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। मुझे कुछ अमेजिंग करना था पर कभी मौका नहीं मिला। जब अमेज़न मिनी टीवी और वानी जी मेरे पास ये कॉन्सेप्ट लेके आए तो सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत निराला लगा। और ख़ास बात ये थी कि जैसे आपने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई लोग जो जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनकी शायद थोड़ी बहुत जान पहचान है, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, उनको कटघरे में बुलाकर अतरंगी इल्ज़ाम लगाना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं ना, जब लोग आते हैं उन पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं या कुछ रैपिड फायर उन पर क्वेश्चंस की बौछार करते हैं, पर उसमें हमेशा उन चीज़ों से हम बौछार करते हैं जो शायद हम जानते हैं। पर ये एक ऐसा अनोखा शो है जहाँ पर जब इल्ज़ाम उन पर लगेंगे तो लोग सोचेंगे यार ऐसा भी इल्ज़ाम होता है क्या, एंड दैट इज़ वॉट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। सो द मोस्ट अतरंगी थिंग इज द की वर्ड फॉर दैट। बिल्कुल ही अतरंगी है, क्योंकि क्या होता है, मुझे लगता है कि जब एक्टर्स होते हैं या जो लोग यू नो स्पॉटलाइट के नीचे होते हैं, वो हमेशा ऐसे यू नो अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, पर उनके अंदर जो एक अतरंगी इंसान होता है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ऐसे अतरंगी रंग हमें देखने को मिले कोर्टर में कि हम लोग खुद इल्ज़ाम लगाते लगाते हंसते हंसते गिरे हुए हैं वहाँ पर। सो दैट इज़ समथिंग आई थिंक पीपल होपफुली पीपल एंजॉय वॉचिंग इट। सो यू ब्रिंग आउट द वाइल्ड साइड ऑफ ऑल द स्टार्स एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट।